हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल स्पॉन्जी खमन ढोकला की रेसिपी। एकदम जूसी और सॉफ्ट खमन जो कि मात्र 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले खमन ढोकला बनाने के लिए हम उस पॉट को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे जिसमें कि हमें खमन बनाना है। मैंने यहाँ पर राउंड केक टिन लिया है, इसे हम ऑयल से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। अब खमन ढोकले का बैटर बनाने के लिए एक बड़े से बॉल में 1 टीस्पून साइट्रिक एसिड डालेंगे, उसमें 3 टीस्पून शुगर डालेंगे। ढोकला एकदम सॉफ्ट बने इसके लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालकर इसमें 2 पिंच येल्लो फूड कलर डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्दी डालने से रेड स्पॉट आ जाते हैं, इसलिए हम कलर डालेंगे। और साथ ही 2 टेबलस्पून पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके इसे 5 मिनट रेस्ट करने को रख देंगे। 5 मिनट बाद इसमें 1 कप छना हुआ बेसन डालेंगे और उसमें 3/4 कप पानी धीरे धीरे डालकर इसे विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे एक ही डायरेक्शन में 2 से 3 मिनट तक फेंटना है। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है, इसी से ढोकला स्पॉन्जी बनता है। यदि ज़रूरत लगेगी तो 1 से 2 टीस्पून पानी और ऐड कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। देखिए, ये रिबन वाली कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। जब हम इसे विस्कर से उठा रहे हैं तो उसमें वापस मिक्स हो रहा है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। अब ढोकले को स्टीम करने के लिए एक बड़ा सा पैन लेंगे, उसमें एक स्टैंड रखेंगे और उसमें पानी डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर पानी को बॉईल होने के लिए ढककर रख देंगे। दस मिनट बाद हमारा बैटर बिल्कुल एयरी हो गया है, उसमें एयर बबल्स अलग ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसे एक बार हम विस्कर से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून इनो डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और यदि आपके पास इनो ना हो तो जो हम सोडा डालने वाले हैं उसकी मात्रा हम डबल कर देंगे। जैसे कि हम जब इनो डाल रहे हैं तो हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेने वाले हैं, उसकी जगह हम 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ले लेंगे। जैसे ही हम बैटर में इनो मिक्स कर लेंगे उसके तुरंत बाद ही हम एक बॉल में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे और उसे 30 सेकेंड के लिए बॉयल कर लेंगे। इसे बैटर में डालकर तुरंत ही बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिना देर किए इस बैटर को प्रिपेयर किए हुए टिन में डालकर इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। सोडे वाला पानी डालते ही बैटर एकदम फूल गया है। बैटर को हम वैसे ही स्टीम करेंगे नॉर्मली जैसे हम इडली को स्टीम करते हैं, बस इसे लिड लगाने के बाद इसे खोलना नहीं है। इसे हम करीब 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे और बीच में एक बार भी नहीं खोलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर कांच की लीड लगाई है जिससे कि हम ऊपर से देख सकते हैं। 20 मिनट बाद टूथपिक से चेक करने पर हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही है, मीन्स कि हमारा खमन परफेक्ट बन गया है। अब हम इसे गैस पर से उतार कर नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके ठंडा होते ही हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे और अपनी चॉइस के पीसेस में इसे कट कर लेंगे। देखिए, ये एकदम इजीली डीमोल्ड हो गया है। ढोकले को हमेशा ठंडा करने के बाद ही इसे कट करना चाहिए, जिससे कि उसके पीसेस आसानी से कट भी जाते हैं और उनका शेप भी नहीं ख़राब होता है। मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप के पीसेस में कट कर रही हूँ। काटने से ही लग रहा है कि एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अब हम इस ढोकले पर लगाने के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम एक छोटी सी कढ़ाई गैस पर रखेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होते ही उसमें हम 1 चम्मच राई डालेंगे, थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे और 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़ों में डाल दिए। अब इस तड़के में 1/2 चम्मच नमक डालकर 3/4 कप पानी डाल देंगे और ढोकले में मार्केट जैसा टेस्ट लाने के लिए इसमें हम 1 टेबल स्पून शुगर और 1/2 नींबू का रस मिक्स कर देंगे। इस तैयार तड़के को हम 5 मिनट बॉईल कर लेंगे और इसे फिर हम कटे हुए खमन के ऊपर डाल देंगे। आप चाहे तो तड़के को तैयार करते टाइम उसमें हम तिल भी डाल सकते हैं। हमारा तड़का तैयार है तो इसे हम कटे हुए खमन पर डाल देंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि तड़के का सारा पानी इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसी वजह से हमने खमन को डीमोल्ड करने के बाद उसे प्लेट में निकाल लिया था, जिससे कि तड़के का सारा पानी उसमें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए।
इस तैयार खमन ढोकले को बिल्कुल मार्केट वाला लुक देने के लिए इसे हम अनारदाना और हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर गीला नारियल भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। देखिए, मैं एक पीस आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि बिल्कुल मार्केट जैसा बना है। जैसे ही दबा रही हूँ वैसे ही वापस से बाउंस बैक हो रहा है और अपनी ओरिजिनल जगह में वापस आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और जूसी है, बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।